की पूजा अर्चना और पाठ करना जी तभी इसकी मुक्ति होगी। मैं तो इन बिलीव नहीं करती। नहीं करोगे, मैं तो पंडित जी को बोल दूंगी, पंडित जी चलो जी हमारे एक है ना गंगा जल में आप ही जल प्रवाह कर देना। मैं तो वो भी लिख के जाऊंगी, बिल बना के जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है किसी की, क्योंकि मैं मानती हूँ दुख के समय जो काम आता, दुख की घड़ी में आप काम आते ना, तब तो मैं मानती कि आप ये बाद में जाने के बाद नाटक और प्रपंच मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब ये 15 दिन क्या है श्राद्ध पक्ष है, तो तरह तरह की रेमेडी अपलोड हो जाएंगी, आप ये वाला करिए तो आपके पूर्वज खुश हो जाएंगे, आप ये वाली रेमेडी करिए आपके पूर्वज ऐसे खुश हो जाएंगे वैसे खुश हो जाएंगे, पता नहीं क्या करोड़ों रेमेडी अपलोड करते रहते। लॉजिक ये नहीं है। फर्स्ट फोर सेवन और 10 में अगर राहु आ जाता सूर्य के साथ, लेकिन ये क्या सिर्फ आपने कंजंक्शन देखकर बोल देना है? आपको तो यही नहीं पता किस नक्षत्र में है, किस डिग्री में, आप क्यों बोल रहे हो? और पूर्वज क्या हमारे नहीं है? अगर मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, ठीक है, 9th हाउस मेरे फादर है, क्या मेरा बुरा चाहेंगे? मेरे दादाजी क्या मेरा बुरा चाहेंगे? पूर्वजों का मतलब क्या है? हमारी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी ये है कनेक्टेड, और क्या, कितने लोगों से मिल लोगे? 100-150 लोगों से भी नहीं पूरी जिंदगी मिलते हैं। हमारे पूर्वज तो वही होगा, तो क्या वो मेरा बुरा चाहेंगे? नहीं। इसका मतलब है वो कोई सिग्नल दे रहे हैं, और ये लिखा हुआ है शास्त्र।